एम श्योर आप सभी ने अपनी लाइफ में साइकिलिंग जरूर की होगी, बट क्या आपने स्किन साइकिलिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेशियल के बारे में, फेशियल करना क्यों जरूरी होता है, कौन सा फेशियल आपको करना चाहिए और फेशियल करने के बाद स्किन में क्या चेंजेस आते हैं और फेशियल क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्किन साइकिलिंग में। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ शानू। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्किन साइकिलिंग एक टाइप ऑफ फेशियल स्किन के रूटीन है जिसमें हमारी स्किन एक्सफोलिएट होती है, रिजुविनेट होती है और ये सब हमें करवाना होता है एक सेट स्केड्यूल टाइम पर, यानी कि हम मंथली फेशियल करवाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट, मंथली फेशियल करवाने से हमें एक प्रॉपर स्किन साइकिलिंग अचीव होती है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि मंथली फेशियल करवाना हमारे स्किन के लिए एसेंशियल क्यों है और ये क्या पर्पज सर्व करता है स्किन साइकिलिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको स्किन के बारे में कुछ बेसिक बातें एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, हमारी जो स्किन होती है ना, वो कॉन्स्टेंटली रिमूव करती है डेड सेल्स और नए सेल्स बनाती है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो जो प्रोसेस होता है नए सेल्स बनने का वो स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारी स्किन पर जमा हो जाती है ऑयल, डर्ट और सन डैमेज की वजह से एक लेयर बन जाती है स्किन पर। इससे जो डेड सेल्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं इंक्रीज होना और फिर हमारी जो स्किन है वो डल दिखाई देती है, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इवन एक्ने की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट हमारी जो स्किन है वो भी डार्क दिखाई देती है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों में फेशियल का क्या काम। फेशियल हमारे स्किन को डीपली क्लेंज एंड एक्सफोलिएट करता है जिससे हमारे स्किन पर जो भी डेड सेल्स जमा होती है वो सारी रिमूव हो जाती है और जो भी हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है लाइक डलनेस, डार्कनिंग, एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या कोई और दूसरी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो भी सारी रिमूव हो जाती है हमारे स्किन से, यानी कि गायब हो जाती है। इसलिए स्किन साइकिल को बैलेंस करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम हर 28 दिनों में यानी कि अराउंड हर महीने फेशियल करवाएं। अब ये सब सुन के शायद आप टेंशन में आ गए होंगे कि कौन हर महीने पार्लर जाए और एक कॉस्टली फेशियल करवाए, बट आपको इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप घर बैठे 30 मिनट्स में फेशियल कर सकते हैं जस्ट लाइक सैलून, और वो भी एक पॉकेट फ्रेंडली वे में। यानी कि आज का जो ये प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल आपके बजट में आता है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द मैजिक प्रोडक्ट दैट इज न्यूड 30 मिनट DIY मेकओवर फेशियल किट। सो ये है न्यूड का 30 मिनट DIY मेकओवर फेशियल किट। इसमें आपको टोटल 6 सेशेस मिल जाते हैं, यानी कि 6 स्टेप्स में आप घर बैठे फेशियल कर सकते हैं, और 9 पाउचेस यानी कि सेशेस में स्टेप नंबर्स भी लिखे हुए हैं। जस्ट आपको इनको ओपन करना है एंड आप इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से सैशेज मिल जाते हैं। नंबर 1 है क्लेंजिंग मिल्क, नंबर 2 है एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब, नंबर 3 है मसाज क्रीम, नंबर 4 है फेस मास्क, नंबर 5 है फेस सीरम एंड नंबर 6 यानी कि जो लास्ट स्टेप है वो है सनस्क्रीन। इस न्यूड फेशियल किट में आपको मिल जाते हैं टोटल 6 सैशेज, यानी कि ये 6 स्टेप फेशियल किट है जिससे आपको मिलता है डायमंड लाइक ग्लो। ये स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट है और ये फ्री है फ्रॉम हार्श केमिकल्स लाइक पैराबेन, सल्फेट, DEA, फॉर्मल्डिहाइड एंड MSG। ये सूटेबल है फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड ट्रस्टेड है बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। बात करूं इसकी क्वांटिटी की तो वो है 60 ग्राम्स। इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स एंड MRP है 355 रुपीज। बट अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करेंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये अवेलेबल है Amazon, Flipkart एंड Meesho पर एंड इसकी बाइंग लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि कैसे आपको इसे यूज करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इजीली इस फेशियल किट को घर पर स्टेप बाय स्टेप खुद से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक हेयर बैंड यूज करूंगी ताकि फेशियल करते टाइम बालों की वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो और बालों से फेशियल खराब ना हो। तो ये देखिए, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा रही हूँ। इसमें कुछ इस तरीके के टोटल 6 पाउचेस मिल जाते हैं। अब चलिए इसे 1 by 1 करके यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा बिफोर लुक। आप देख सकते हैं फेस पर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, इसी बेयर फेस पर मैं यूज़ करूँगी ये न्यूड का फेशियल किट। फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग मिल्क। बात करूँ इस क्लेंजिंग मिल्क के टेक्सचर की तो इसका टेक्सचर रनी है, तो ये ना इजीली स्प्रेड हो जाता है फेस पर। अब इसके आपको मसाज करना है सर्कुलर मोशन में अपने फेस, नोज एंड नेक पर भी फॉर अराउंड 5 मिनट्स। क्लेंजिंग मिल्क क्या करता है, जो भी आपके स्किन में डर्ट और इम्प्यूरिटीज होती है यानी कि जो भी गंदगी जमा हो जाती है आपके स्किन पर वो ये रिमूव कर देता है एंड आपके स्किन को एकदम क्लीन कर देता है। अब नाम से ही पता चलता है कि क्लेंजिंग मिल्क है तो ये आपके स्किन को एकदम क्लीन यानी कि साफ कर देता है।
देन आफ्टर 5 मिनट्स आपको अपने फेस को वाइप कर लेना है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी डैम टाल। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5 मिनट्स के बाद ना अपने फेस को वाटर से वॉश नहीं करना है, यानी कि अपने फेस को पानी से नहीं धोना है। बस कोई भी आप एक डैम क्लोथ ले ले और उससे अपने फेस को अच्छे से वाइप कर ले, एंड ये हो जाएगा हमारा फेशियल का फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब। स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए इसे एक्सफोलिएट करना किसी भी फेशियल रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको इससे जेंटली मसाज करना है अपने फेस को फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। ये स्क्रब आपके स्किन से रिमूव करता है डेड सेल्स, एंड अगर आपको वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो उन्हें भी ये नेचुरली रिमूव करता है। ये आपके पोर्स को अनक्लॉक करता है एंड उसे टाइट भी करता है। बस आपको जेंटली इस स्क्रब से अपने फेस की मसाज करनी है, नोज पर भी एंड नेक पर भी नहीं भूलना है। और इसके जो ग्रेनुल्स हैं ना वो बिल्कुल भी हार्श नहीं है, इजीली आप इससे अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं। इससे आपको ऐसे ही रखना है फॉर 1 to 2 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट एक डैम क्लोथ से आप ये स्क्रब रिमूव कर सकते हैं। एंड ये हो जाएगा हमारे फेशियल का सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है मसाज क्रीम। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इससे आपको फेस की मसाज करनी है। तो कैसे करनी है? आपको इसकी मसाज करनी है अपवर्ड सर्कुलर मोशन में फॉर अराउंड 10 मिनट्स। बिल्कुल हल्के हाथों से जेंटली आप अपने फेस की मसाज कर सकते हैं इससे। अब मसाज करने से क्या होता है, इससे ना ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिससे आपको मिलती है क्लीन, क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। अब अगर आप अंडर आइज़ के अराउंड भी इसके मसाज कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल ध्यान से किया कीजिए, क्योंकि अंडर आइज़ का जो एरिया होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो वहाँ पर आपको ध्यान से मसाज करनी है इसकी। फेस की मसाज करने से ना आपको भी एक रिलैक्सेशन मिलता है और आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाती है। एंड अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा क्रीम ले लिया है, तो इसे भी आप एक डैम टॉवल से रिमूव कर सकते हैं। एंड ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है फेस मास्क। फेस मास्क मेरा फेवरेट स्टेप है। इससे आपको अपने फेस एंड नेक पर इवनली स्प्रेड कर लेना है। फेस मास्क हमारे स्किन को हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज करता है, और जो एक्स्ट्रा ऑयल हमारे स्किन में जमा हो जाता है उसे भी ये निकालता है। हमारे स्किन में जो गंदगी जमा हो जाती है उसे भी ये बाहर निकालता है, और जो एज बढ़ने के सिम्टम्स होते हैं उन्हें भी कम करने में हेल्प करता है। आइज़ के अराउंड जो एरिया है उसे ऐसे ही छोड़ देना है, और बाकी पूरे फेस पर ही फेस मास्क अप्लाई कर लेना है। एंड अब इसे ड्राई होने देंगे हम फॉर अराउंड 10 मिनट्स। देन आफ्टर 10 मिनट्स मैं अपने फेस को ना थोड़ा वेट कर लूँगी, यानी कि थोड़ा सा गीला कर लूँगी। देन अपने फेस को एक डैम टॉवल से वाइप कर लूँगी। फेस को ना थोड़ा वेट करने से ये जो मास्क होता है ना वो ईजिली वाइप हो जाता है। आप चाहें तो अपने फेस को पानी से भी वॉश कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाएगी क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन आफ्टर यूजिंग फेस मास्क। एंड ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप है फेस सीरम। इस सीरम के आपको लेने हैं 2 to 3 ड्रॉप्स अपने हाथों में। आप चाहे तो अपने हाथों को रब करके भी इसे अपने फेस पर लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। देन इसे आपको अप्लाई करके अपने फेस पर मसाज करनी है अपवर्ड मोशन में, और फेस एंड नेक दोनों पर करनी है जब तक कि ये कम्प्लीटली आपके फेस एंड नेक पर एब्जॉर्ब ना हो जाए। सीरम यूज़ किया जाता है ताकि जो ग्लो आया है वो हमारे फेस पर लॉक हो जाए, और ये जो ग्लो फेस पर आता है ना वो लंबे टाइम तक ऐसे ही बना रहे। इस फेशियल का सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को तो हम डेली यूज़ करते हैं, एंड इसे भी आपको फेस एंड नेक पर अप्लाई करना है इन अपवर्ड मोशन, जब तक कि अच्छे से आपके फेस पर एब्जॉर्ब ना हो जाए। आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन नहीं ले लेना है। अगर आप ज़्यादा अपने फेस पर सनस्क्रीन लगा लेंगे ना, तो ये आपके फेस पर एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और आपका जो फेस है वो एकदम वाइट वाइट दिखेगा। इसलिए जितनी रिक्वायर्ड क्वान्टिटी है उतना ही आपको सनस्क्रीन लेना है। एंड सनस्क्रीन के बारे में ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस, एंड ये हमारे स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। एंड फाइनली ये हो गया हमारे फेशियल का सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप। तो अभी तक आपने मंथली फेशियल के बारे में नहीं सोचा है, तो अब टाइम आ गया है इसे अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करने का। एंड याद रखें, और दूसरों के साथ भी ये शेयर करें, कि मंथली फेशियल एक परफेक्ट तरीका है टू कीप योर स्किन हेल्दी, रेडिएंट एंड रिजुविनेटेड। ये फेशियल आप घर पर ही कर सकते हैं, जिससे आपको सैलून में कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगा, एंड आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा आफ्टर लुक है। इस फेशियल को करने के बाद आपको मिलती है ग्लोइंग स्किन, एंड छुटकारा मिलता है टैन, पिगमेंटेड, डल, ब्लोची एंड अनइवन स्किन से। तो अगर आप भी हर महीने फेशियल के लिए पार्लर नहीं जाना चाहते हैं और घर बैठे खुद से फेशियल करना चाहते हैं, तो आप ये न्यूड का फेशियल किट जरूर ट्राई करें। मैं इसे आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ।
आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।